प्रवीण प्यारे बहुत अच्छा काम कर रहा है यूट्यूब पे काम करने से, मतलब अपना ही निर्वाह गुजर बसर नहीं बल्कि पूरे फैमिली का जो आने वाला पीढ़ी है उनको भी तुम इस यूट्यूब से देख सकता है और भरण पोषण कर सकता। की हेले राजू भाई की हेले लात गुस्सा मुका नहीं करे छे। प्रवीण प्यारे लाल जी के पिताजी हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं कि उनके अभी उनसे सवाल करते हैं कि प्रवीण प्यारे लाल जी है बचपन से उसका मतलब किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट था, और अभी जो वीडियो चल रहा है उसका फेसबुक यूट्यूब पे बहुत मिलियनों में और लाखों में व्यू आ रहा है और सभी लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्रवीण प्यारे लाल जी के पिताजी से जानना चाहेंगे कि उसका बचपन में किस तरह से रहा, कि किस चीज पे उसका ज्यादा फोकस रहा था। मैं कहना चाहूँगा कि प्रवीण प्यारे लाल जो मेरा है, तो इनका जो बचपन का जो रहा, तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा रहा इनका, और मैट्रिक में भी फर्स्ट डिवीजन किया, इंटर में भी फर्स्ट डिवीजन किया, पढ़ाई लिखाई में रुचि बहुत अच्छा था इनका, जैसे कि ट्यूशन में नंबर वन में आया था पढ़ने में, ट्यूशन में अच्छा नंबर लाया, ट्यूशन मैट्रिक में भी ट्यूशन में भी फर्स्ट किया। उसके बाद इनको मैंने भागलपुर भेजा पढ़ने के लिए, तो वहाँ इन्होंने हमसे छुपा के डांस क्लास भी सीखने लगा, तो एवं प्रकार से सीखते सीखते कुछ दिन जब साल भर सीखा तो हमको बताया कि पिताजी मैं डांस क्लास ले लिया हूँ और सीख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा तुम डांस क्लास लिया, इसमें सक्सेस करेगा या नहीं करेगा, अच्छा पढ़ाई करके कोई जॉब अच्छा रहेगा, मतलब पिताजी पढ़ाई करेंगे लेकिन हमको इसमें बहुत बेहतर रुचि है, बहुत ज़्यादा रुचि है, और मैं कुछ करके दिखाऊँगा और गाँव का नाम जो है मैं ऊँचा उठाऊँगा, अपने परिवार का, माता पिता का, और जैसे कि मेरा चाचा है या मेरे रिश्तेदार हैं, सभी के नाम को मैं मतलब ऊँचा उठाने का स्तर में लगा हूँ और लगा और ऊँचा उठा के ही रहूँगा, मेरा ये आत्मविश्वास है। तो फिर इन्होंने डांस क्लास आलमनगर में खोला, उसमें भी कई आदमी आए, उसमें कलाकार सब आए, तो कलाकार सबों ने इनको सराहना दिया, प्रोत्साहन दिया कि प्रवीण प्यारे लाल बहुत अच्छा काम कर रहा है यूट्यूब पे काम करने से, मतलब अपना ही निर्वाह गुजर बसर नहीं बल्कि पूरे फैमिली का जो आने वाला पीढ़ी है उनको भी तुम इस यूट्यूब से देख सकता है और भरण पोषण कर सकता है, ऐसा उन्होंने कलाकार लोगों ने बोला। मैं भी गया था उद्घाटन में, और आज प्रवीण प्यारे लाल के नाम से कहने का मतलब बिहार में तो ये है, शायद और कहीं उनका नाम रोशन होगा और बहुत आदमी चाहते हैं और उनका वीडियो को भी देखते हहैं, इनसे हम सब परिवार को बहुत खुशी है। हम चार भाई हैं, चारों सम्मिलित हैं, अभी चल रहा है, तो इसी हौसला के साथ हमने इनको प्रोत्साहन दिया कि ठीक है तुम जिस काम में लगे हो उस काम को अच्छे ढंग से करो, ताकि तुम्हारा नाम भी हो और काम भी हो और आगे भविष्य में तुम और कुछ करके दिखाओ। अभी प्रवीण प्यारे लाल जी के पिताजी हैं, उनसे सारी बातें हैं, हमने प्रवीण प्यारे लाल जी स्ट्रगल और पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हम लोग जाने कितना पढ़े लिखे हैं, और अभी यूट्यूब जो है यूट्यूब से जैसे कि अंकल जी बोल रहे थे कि यूट्यूब के अलावा आप अपने अन्य पीढ़ी को भी देख सकते हैं। जी हाँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, जैसे प्रवीण प्यारे लाल जी हैं उसी तरह मैं भी हूँ, मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी बैचलर ऑफ साइंस स्टूडेंट हूँ। तो दोस्तों आप लोग से बताना चाहूँगा कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप एक पीढ़ी से कई पीढ़ी को आप इतना मतलब इनकम कर सकते हो, जो कि एक IAS ऑफिसर भी उसको उस चीज़ को देखने के लिए इनकम पड़ जाएगा। तो दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि प्रवीण प्यारे लाल जी को बहुत सपोर्ट कीजिए, जिस तरह अभी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मिलियनों में व्यू गया है, लाखों में जा रहा है, तो इसी तरह आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए
और प्रवीण प्यारे लाल जी पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने कीमती समय लेकर के यहाँ पे अपने मतलब पुत्र के बारे में इन्होंने बताया। और प्रवीण प्यारे लाल जी के पिताजी से हम ये जानना चाहेंगे कि इनके गांव में अभी क्या रिस्पांस रहता है आपको, जैसे अभी वायरल चल रहा है तो अभी जैसे हम बाहर से बहुत दूर से हैं, पूर्णिया से आए हैं मिलने के लिए, तो अभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे चैनल वाले आएंगे कि इंटरव्यू लेने आएंगे, तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी गांव में जैसे आपके लड़का वायरल हुआ है, गांव में क्या रिएक्शन रहता है? गांव में तो बहुत अच्छा इनका जो है मतलब कहने का मतलब जो है दोस्त जितना भी है इनका या गांव का समाज भी है तो बहुत अच्छा सपोर्ट में लगा हुआ है। अच्छी बात है प्रवीण, तुम आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ गांव का जितने भी हैं। जैसे कि इन्हें जिन्हें देखिए, हर गांव में हर आदमी के प्रति कुछ न कुछ एक आध 2% तो ऐसे होता है, लेकिन 100 में 10% 90% तो आदमी है जो कि प्रोत्साहित है और प्रोत्साहित कर रहा है प्रवीण प्यारेलाल को, बहुत अच्छा काम कर रहा है तुम, तो गांव के लेवल में भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बता दें कि जैसे कि अंकल जी ने बोला कि जैसे 50% यानी 20% लोग पॉजिटिव सोचते हैं और कुछ नेगेटिव सोचते हैं, जिन लोग के जिसके दिमाग में ये चलता है कि सिर्फ सरकारी जॉब ही हर चीज़ है, लेकिन सरकारी जॉब से भी बहुत बढ़ के चीज़ ये चीज़ है यूट्यूब। आप लोग जो कि जैसे देखे होंगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स बहुत अच्छे लेवल पे गए हैं और इसी तरह प्रवीण प्यारेलाल भी बहुत आगे जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।